कड़प्पा सरकार के मंत्री पर भी आरोप लगे हैं। ऐसे में पुलिस को जल्द से जल्द शाहीन को बरामद करना होगा। बरेली में घरेलू गैस एजेंसियों पर खूब पड़े छापे और पकड़ी गई कई खामियां। बरेली के करीब आधा दर्जन घरेलू गैस एजेंसियों और गोदामों पर छापेमारी के दौरान जिला आपूर्ति अधिकारी ने कई खामियां पकड़ी। जिला आपूर्ति अधिकारी की छापेमारी के दौरान गैस सिलेंडरों की तौल में कई तरह की खामियां सामने आईं। गैस एजेंसी कार्यालय पर रिकॉर्ड खंगालते जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के अफसरों को कई खामियां मिली। मसलन कालाबाजारी और बुकिंग के बाद भी उपभोक्ताओं को समय पर घरेलू गैस आपूर्ति न कराना। अधिकारियों को कई दिनों से खामियां मिल रही थी। आज चेकिंग के दौरान कई गोदामों के चालान भी काटे गए। श्रीनगर गढ़वाल में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कंडारी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन राज्य में हो रही बिजली कटौती को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ था। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद करवाया और ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाया। साथ ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर भारत में बिजली समस्या को केंद्र सरकार की मिलीजुली साजिश बताया है। ना जन लोकपाल बिल पास हुआ, ना 13 मंत्रियों के खिलाफ शुरू हुई कार्यवाही, लेकिन अन्ना का अनशन खत्म हो गया। हालांकि अभी आंदोलन जारी रहेगा। महज ये आवाज अब सड़क की जगह संसद में सुनाई देने की कवायद होगी शुरू। 10 दिनों से चल रहे अन्ना के अनशन का आज अंत हो गया। जनरल बीके सिंह खुद पहुंचे अन्ना का अनशन तोड़वाने के लिए। वही टीम अन्ना ने जनता को दिया राजनीतिक विकल्प का लक्ष्य। कल तक टीम अन्ना कहे जाने वाले लोग अब अन्ना पार्टी कहलाएंगे, लेकिन क्या जो लड़ाई सड़क से शुरू हुई थी वो संसद तक पहुंच पाएगी या नहीं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। कल तक जो लोग पानी पी पी कर नेताओं को कोसते थे, अब वो खुद नेता बनने लगे हैं। टीम अन्ना अब अन्ना पार्टी हो गई है, लेकिन इससे क्या उनकी नीति बदलेगी या नियति ही बदल जाएगी? नतीजा कुछ भी हो, लेकिन जीत जनतंत्र की हुई, जो भीड़ तंत्र को भी लोकतंत्र के रास्ते पर ले आया। नैनीताल हाई कोर्ट ने 2009 में उत्तराखंड के आयुर्वेदिक अस्पतालों में की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया है। 2009 में करीब 240 फार्मिस्टों की नियुक्ति की गई थी। इन नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप लगाया गया था। इसके बाद इस मामले में कोर्ट में सुनवाई जारी थी। आज की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इन सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि मेरिट के आधार पर दोबारा इन पदों पर नियुक्तियां की जाएं। जालौन के आटा थाना क्षेत्र में एक महिला को उसके ही मकान में किराए पर रह रहे एक शख्स ने जान से मारने की कोशिश की। महिला की चीख सुनकर गांव वालों ने जब घर में जाकर देखा तो अपराधी महिला को घायल छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। Do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. It's a new one. फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौके पे मौके पे चौका। No ball means no Pepsi.
एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की, आई स्टडीड एट क्वांटम क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। एक तरफ इमाम बुखारी को भी। लंदन ओलंपिक में भारतीय टेनिस टीम एक के बाद एक मुकाबला हारकर बाहर हो गई है, लेकिन पेस सानिया की जोड़ी से अभी भी उम्मीदें जुड़ी हैं। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा ने मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय जोड़ी ने सर्बिया के निनाद जिमनोजिक और एना इवानोविक की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-2, 6-4 से हराया। पेस सानिया ने सिर्फ 64 मिनट में मुकाबला अपने नाम किया। निशानेबाज रंजन सोढ़ी लंदन ओलंपिक की पुरुष डबल ट्रैप स्पर्धा के फाइनल्स में जगह बनाने में नाकाम रहे। भारत की ओर से पदक के दावेदारों में शामिल निशानेबाज रंजन सोढ़ी ने कहा कि उन्हें अपने खराब प्रदर्शन का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। सोढ़ी को भारत की ओर से पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन वो क्वालिफिकेशन में 150 में से 134 का स्कोर बनाकर 11वें स्थान पर रहे और फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। मुक्केबाजी के पहले दौर में बेहतरीन प्रदर्शन करके पदक की उम्मीद जगाने वाले भारतीय मुक्केबाज जय भगवान पुरुषों के लाइट वेट वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल में बुरी तरह हारकर लंदन ओलंपिक से बाहर हो गए। हरियाणा के 27 वर्षीय मुक्केबाज जय भगवान को कजाकिस्तान के गनी झालियोव के खिलाफ अधिक सतर्कता बरतने और प्रतिद्वंदी के आक्रमण का अच्छी तरह से जवाब नहीं देने का खामियाजा भुगतना पड़ा। कजाकिस्तान के मुक्केबाज ने ये मुकाबला आसानी से 16-8 से जीता। कश्यप भले ही क्वार्टर फाइनल में हार गए हो, लेकिन उन्होंने शीर्ष वरीयता प्राप्त मलेशियाई खिलाड़ी ली चोंग वेई के खिलाफ अपने संघर्षपूर्ण खेल से सभी का दिल जीत लिया। राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता कश्यप मलेशियाई खिलाड़ी से 44 मिनट में 19-21, 11-21 से हारे। पहले गेम में लगातार आगे चलते रहे भारतीय खिलाड़ी के पास 19-18 के स्कोर पर ये गेम जीतने का मौका था, लेकिन शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल करते हुए लगातार 3 अंक बटोरे और पहला गेम 21-19 से अपने नाम कर लिया। चोंग वेई ने फिर दूसरे गेम में कश्यप को कोई मौका नहीं दिया और इसे सिर्फ 17 मिनट में 21-11 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। माइकल फेल्प्स ने लंदन ओलंपिक के पुरुष 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले तैराकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपने करियर का 20वां ओलंपिक पदक जीता। वो पहले तैराक हैं जिन्होंने एक ही व्यक्तिगत स्पर्धा के लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण हासिल किए हैं। उन्होंने 1:54.27 में अपने करियर का 16वां स्वर्ण और कुल 20वां पदक जीता। क्रिकेट जगत के सबसे सफल बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने स्वीकार किया है कि वो शतरंज के खेल में हमेशा असफल रहे। तेंदुलकर ने अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के कार्यक्रम में कहा, हमारे घर में शतरंज बहुत खेला जाता है। मैंने अपने भाई के साथ बहुत अधिक शतरंज खेली है, लेकिन मुझे ज्यादा सफलता नहीं मिली। मैंने हालांकि इस खेल का भरपूर मजा लिया है। भारत के सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप युवाओं को ये विश्वास देता है कि वो अच्छी टीमों की चुनौती का सामना कर सकते हैं। सहवाग ने कहा कि कुछ खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में इस महीने होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करके 2015 के वर्ल्ड कप में सीनियर टीम में खेलेंगे। साथ ही सहवाग ने कहा कि खिलाड़ियों के पास वहां जाकर अच्छी टीमों के खिलाफ खेलने का बेहतर मौका है। पूर्व गेंदबाज और टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच रहे वेंकटेश प्रसाद को उत्तर प्रदेश की रणजी टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। प्रसाद उत्तर प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों को 2 वर्ष तक कोचिंग देंगे और अक्टूबर से टीम के साथ जुड़ेंगे। प्रसाद के साथ यूपीसीए ने 2 वर्ष का करार किया है। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। इन नैनों में कजरा न भाए, बहुत हुई है ये आंख मिचौली, बहुत हुई है ये आंख मिचौली। आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, 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 तरफ इमाम बुखारी को भी साथ लें और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को भी साथ लें। इनको नया नहीं कर रहे हैं, मुलायम सिंह की तो हमेशा दोनों तरफ खेलते रहे, अच्छे खिलाड़ी हैं शतरंज के और शतरंज चाले बड़ी अच्छी चलते रहे, उसमें कोई शक नहीं है।
शाहिद साहब आपने एक बहुत गंभीर बात कही, नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह के बीच कहीं ना कहीं कोई रिश्ता कोई समझ बन रही है चुनाव को लेकर। मैं जब एडिटर हूँ तो मैं एडिटर हूँ, मैं किसी का बच्चा नहीं हूँ, किसी का बाप नहीं हूँ, किसी का भाई नहीं हूँ। अखिलेश अगर मुख्यमंत्री है तो वो किसी का ना भाई है, ना टीपू है, ना भतीजा है, ना भांजा है, ना बेटा है, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ जनता का मुखिया है। और अगर वो मुखिया के तौर पे काम नहीं कर सकता तो उत्तर प्रदेश डूब जाएगा। पार्टी की दशा और दिशा आपको कैसी लगती है? आपको बता दूं कि जिन मुसलमानों ने वोट दिया था आज 4 महीने पहले, आज 80% जो है उनके खिलाफ है। कारण क्या है कि आप फॉर ग्रांटेड लेते हो, आप सिर्फ वोटर समझते हो, आप सिर्फ वोट बैंक समझते हो, आप इंसान नहीं समझते हो। जो पर्दे के आगे आके अपना सीना सामने कर रहा है, गोलियां खा रहा है आपके लिए, आप उसको एक मिनट में उसका गला काट दो? ये कोई सभ्य लोकतांत्रिक परंपरा नहीं। अगर गलती भी थी मेरी तो मुझसे पूछते, अगर मैं गलत था मुझसे कम से कम बदतरीन जो मुजरिम होता है उससे भी पूछा जाता कि भाई तुमने गुनाह किया है तुम्हें क्या सजा दी जाए। यहाँ तो आपने पूछा नहीं, गछा नहीं, आपने कह दिया कि वो तो पार्टी में था ही नहीं हमारे। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद शाहिद सिद्दीकी के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह शनिवार रात 8:30 और रविवार सुबह 10:30 सिर्फ समाचार प्लस पर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हंसी के ऐसे डोज जिन्हें देखकर आप रोक नहीं पाएंगे अपनी हंसी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये कॉमेडी शो, देखते रहो हंसते रहो। दोस्तों सुमोना दिलाना चाहती हैं वीआईपी को इंसाफ, लेकिन कपिल को है इससे बेहद ऐतराज। क्यों है कपिल को ऐतराज और क्या मिल पाएगा वीआईपी को इंसाफ, चलिए देखते हैं। पुलिस है क्यों, जब क्राइम पेट्रोल वाले आके इधर कर सकते हैं कॉमेडी सर्कल, हम लोग कॉमेडी सर्कल नहीं कर सकते। मिलोर ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर। मॉम आज खाने में क्या है? लौकी। और लौकी सुन के भागना मत, आज स्पेशल है, आज लौकी का कोफ्ता बनाया और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? करेले की करेला स्पेशल बना, ये खाता ही नहीं। नमस्कार, स्पोर्ट्स प्लस में आप सबका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं रीना खान। टीम इंडिया का मिशन लंका दहन पूरा हो चुका है, माही आर्मी लंका दहन कर चुकी है, लेकिन फिर भी अभी कुछ अधूरा है। अभी ये जीत अधूरी है और ये जीत तब होगी पूरी जब टीम इंडिया लंका को 5वें और आखिरी वनडे में देगी मात। तो स्पोर्ट्स प्लस में हम बात करेंगे टीम इंडिया के इस आखिरी मौके के बारे में, साथ ही बात होगी लंदन ड्रीम्स की जहां भारत को मिली है थोड़ी खुशी और थोड़ा गम। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस भारतीय खिलाड़ी की जिसका लंदन ड्रीम्स का सपना हो गया है साकार। लंदन ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज विजय कुमार ने रजत पदक जीत लिया है। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में 30 का स्कोर कर विजय ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल क्यूबा के प्यूपो लॉरिस और कांस्य पदक चीन के डिंग फेंग को मिला। लंदन ड्रीम्स का एक और सपना हुआ साकार, निशानेबाजी में भारत को मिला एक और मेडल, विजय कुमार ने किया सिल्वर मेडल पर कब्जा। भारतीय निशानेबाज विजय कुमार ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत पदक जीतकर लंदन ओलंपिक 2012 में भारत को दूसरा पदक दिलाया। भारत का ये लंदन ओलंपिक और निशानेबाजी में दूसरा पदक है। इससे पहले गगन नारंग ने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता था। विजय ने क्वालिफिकेशन में 585 अंक बनाकर फाइनल में जगह बनाई थी।
विजय ने फाइनल्स में शुरू से ही अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले प्रयास में परफेक्ट 5 का स्कोर बनाया। हालांकि इसके बाद किसी भी प्रयास में परफेक्ट स्कोर नहीं बना पाए। इसके बाद अगले 7 प्रयासों में उनका स्कोर 4-4-3-4